अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक की जानिब से जो है स्कॉलरशिप प्रोग्राम है, कौन से लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, कैसे जो है आपने इसको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा, सारा कुछ आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो आपने इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना है, किसी भी चीज को आपने स्किप नहीं करना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, मैं इसी तरह की वीडियो वगैरह अपलोड करता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो है मैंने एक पीडीएफ बनाया हुआ है, यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हैं। यहाँ पे एशियन डेवलपमेंट बैंक स्कॉलरशिप 2023-24। अब यहाँ पे आपको एक चीज बताते चलूँ, बेसिकली इसका एक इंट्रोडक्शन है। एशियन डेवलपमेंट बैंक और जापान स्कॉलरशिप दोनों का आपस में पार्टिसिपेशन है, एशियन कंट्रीज के लिए और पैसिफिक कंट्रीज के लिए। और ये स्कॉलरशिप हर साल आपके लिए आती है, यानी कि ये आपको ऑफर करते हैं मास्टर डिग्री प्रोग्राम, और तकरीबन 300 से ज्यादा स्टूडेंट्स को जो है ये हर साल ये स्कॉलरशिप अवार्ड करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप बात करें तो इसकी डिटेल के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है ये प्रोवाइडेड कर रहे हैं, इनके होस्टिंग जो आपकी कर रहा है वो एशियन डेवलपमेंट बैंक है। देन उसके बाद जो डिग्री लेवल आपको करवाई जाएगी ये मास्टर डिग्री स्कॉलरशिप है। फाइनेंशियल कवरेज जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया ये फुल्ली फंडेड है, और इसमें डेडलाइन जो है वो वैरी करती है डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के अकॉर्डिंग। यानी कि अगर आप पाकिस्तान की मिसाल लें तो यहाँ पे डिफरेंट डेट होगी, अगर आप दूसरे कंट्रीज़ की एग्जांपल लेते हैं तो वहाँ पे डिफरेंट जो है इनकी डेड। अब हम बात कर लेते हैं फाइनेंशियल बेनिफिट आपको क्या होंगे। एशियन डेवलपमेंट जो बैंक स्कॉलरशिप है ये बेसिकली आपके तमाम एक्सपेंसेस कवर करेगी, यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया हुआ है। फुल ट्यूशन फीस होगी, मंथली जो आपको स्टिपेंड वगैरह दी जाएगी, हाउसिंग अलाउंस होंगे, बुक अलाउंसेज होंगे, मेडिकल इंश्योरेंस, ट्रैवल एक्सपेंसेस जो एक स्कॉलरशिप में होते हैं सारा कुछ आपको यहाँ पे मिलेगा। अब यहाँ पे हम बात करते हैं स्कॉलरशिप ड्यूरेशन की। तो यहाँ पे जो है बेसिकली ये एक साल का टेन्योर होता है, यानी कि एक साल के अंदर जो है ये स्कॉलरशिप होती है, लेकिन इसको एक्सटेंड भी किया जा सकता है, यानी कि सेकंड ईयर तक भी लेके जा सकते हैं, और डिपेंड करता है वहाँ पे आपके कोर्स के या क्राइटेरिया के मुताबिक। अब हम बात करते हैं कि कौन सी कंट्रीज हैं जो यहाँ पे जिनके लिए ये वाली स्कॉलरशिप अवेलेबल है। कुछ यहाँ पे कंट्रीज मैंशनड है, बाकी मैं आपको आगे चल के बता दूंगा, जैसे हांगकॉन्ग, चाइना, इंडिया, जापान, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, फिलीपीन और सिंगापुर, थाईलैंड, यूएसए वगैरह, ये वाली कंट्रीज के लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बेसिकली ये डिफरेंट जो है इसका एक क्राइटेरिया, वो मैं आपको आगे चल के बताऊंगा कि आपने कैसे जो है इसको अप्लाई करना है। यानी कि ये पाकिस्तान के लिए भी है, पाकिस्तान वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, इंडियन भी अप्लाई कर सकते हैं, बाकी लोग भी कर सकते हैं इसके लिए। अब स्टडी फील्ड के बारे में हम बात कर लेते हैं कि कौन से स्टडी फील्ड है, यानी कि मास्टर प्रोग्राम के लिए कौन कौन से जो है आपको इसके लिए करवाए जाएंगे, यानी कि मास्टर के अंदर कौन कौन से ऐसे प्रोग्राम होंगे। तो अगर आप चाइना की बात करते हैं तो चाइना के लिए अर्बन प्लानिंग है और अर्बन डिज़ाइन है। इसी तरह इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में यहाँ पे मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। इसी तरह यहाँ पे अगर आप बात करें न्यूजीलैंड की तो यहाँ पे तीन चार जो है कोर्सेज हैं, जैसे कि मास्टर इन इंटरनेशनल बिजनेस है, फिर आर्ट्स है, इसी तरह साइंस के लिए है, प्रोग्राम इन इंजीनियरिंग है, तो पब्लिक हेल्थ है। इसी तरह हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में सिर्फ एक ही कोर्स करवाया जाएगा आपको मास्टर के रिलेटेड, जो कि मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है। बाकी फिलीपीन के हैं वो आप लोग देख सकते हैं, सिंगापुर के भी हैं, थाईलैंड वगैरह, यूएसए वगैरह के लिए भी हैं, तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। जापान के लिए बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जापान और एडीपी की दो आपस में पार्टिसिपेशन है, तो इस वजह से जापान के लिए ज़्यादा कोर्सेज हैं यहाँ पे, डिफरेंट कैटेगरीज हैं, डिफरेंट जो है आपकी स्टडी फील्ड है उसके अंदर जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो बेसिकली आपको नेशनल होना पड़ेगा, यानी कि नेशनैलिटी आपके पास होनी पड़ेगी उस एलिजिबिलिटी कंट्री की। जैसे मैंने आपको बताया था कि आप पाकिस्तान के हैं तो पाकिस्तान के रहायशी आपको होना पड़ेगा, अगर आप यूएसए में रहते हैं तो यूएसए के सिटीजन आपका होना पड़ेगा, यानी कि आपका जो नेशनैलिटी है वो वहाँ की हो। इसी तरह जो है आपने यहाँ पे उसने लिखा है गेन एडमिशन टू एन अप्रूव्ड एमए कोर्स टू एन एकेडमिक इंस्टीट्यूट, उसके बाद आपने किसी ना किसी एडमिशन लिया हो एमए कोर्सेज वगैरह में, बैचलर डिग्री आपके पास होना लाजमी, एटलीस्ट टू ईयर ऑफ फुल टाइम प्रोफेशनल वर्किंग एक्सपीरियंस यहाँ पे मेंशन है, नॉट मोर देन 35 ईयर ओल्ड से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। उसके बाद यहाँ पे आप एग्री करें कि जो है आप वापस आएंगे अपनी कंट्री में, ठीक है। तो ये सारे एग्रीमेंट्स वगैरह और ये सारे जो है आपको रिक्वायरमेंट्स इसकी ज़रूरत पड़ेंगी। अब हम बात करते हैं कौन सी कंट्रीज़ इसके लिए एलिजिबल हैं। तो यहाँ पे ये सारी कंट्रीज़ हैं, अफगानिस्तान, अमेरिका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, इंडिया, तो ये सारे कंट्रीज जो है यहाँ पे अवेलेबल हैं, आप लोग देख सकते हैं। मैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर भी आपको लिस्ट दी। अब हम बात करते हैं कि आपने इसको अप्लाई कैसे करना है। तो अप्लाई करने के लिए जो है आपने इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, वहाँ पे आपको फॉर्म मिलेगा, बाकी सारी डिटेल हम इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके बात करेंगे। ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है एशियन डेवलपमेंट बैंक की, यहाँ पे adb.org। यहाँ पे जैसे ही आप आएंगे तो यहाँ पे व्हाट इज ऑफर, यानी कि स्कॉलरशिप में क्या ऑफर किया जाएगा, फुल मतलब आपकी ट्यूशन फीस होगी, अलाउंसेस वगैरह जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, बाकी आप ब्रोशर्स वगैरह यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इस तरह यहाँ पे मेजर फील्ड ऑफ स्टडी उन्होंने बताया हुआ, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, इकोनॉमिक्स, बिजनेस एंड मैनेजमेंट। जैसे मैंने आपको बताया ये कंट्री वाइज उन्होंने डिवीजन की हुई है कि हर कंट्री के लिहाज से कौन सा प्रोग्राम करवाया जाएगा मास्टर में। देन उसके बाद यहाँ पे उन्होंने एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स लिखी हुई है कि आपको जो है नेशनल होना पड़ेगा उस एलिजिबल कंट्री के लिए, उसने जो है आपके पास डुअल नेशनैलिटी नहीं होनी चाहिए, तो उसके बाद 2 साल का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए। इसी तरह यहाँ पे कुछ हो रहा है मतलब एज वाइज है, और बाकी यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, आपने ये लाजमी पढ़ना है।
अगर आप इनके ऊपर पूरा उतरते हैं तो फिर आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस तरह यहाँ पे अवेलेबल जो है सिटीजन ऑफ फॉलोइंग कंट्री, यानी कि जो आपकी कंट्रीज, जैसे मैंने आपको बताया था कि ये वाले कंट्रीज के लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ प्रोसीजर फॉर अप्लाइंग, तो यहाँ पे आप प्रोसीजर चेक कर सकते हैं कि कैसे आपने इसको अप्लाई करना है। यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे आपके पास है एप्लीकेशन फॉर्म, यहाँ पे एक एप्लीकेशन फॉर्म है बेसिकली आपका एमएस वर्ड के अंदर ओपन होगा और एक जो है आपके पास पीडीएफ में आएगा। आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको पीडीएफ में निकलवाएं या आप जो है इसको एमएस वर्ड में निकलवाएं। बाकी मैं आपको आगे डिटेल बताता हूँ। तो यहाँ पे थोड़ा सा इसके बारे में ये जो इसके की पॉइंट्स है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन जिसे आप कहते हैं। यहाँ पे बेसिकली वो कह रहे हैं कि एप्लीकेंट्स आर रिक्वायर्ड टू सबमिट देयर इनकम टैक्स वगैरह और बाकी सारे सर्टिफिकेशन और बाकी जो जो चीज़ें हैं, जैसे कि फैमिली इनकम है, इसके बाद आपकी सर्टिफिकेशन है, वो सारा कुछ जो है आपने यहाँ पे सबमिट करवाना होगा साथ, मतलब अपने फॉर्म के लगाना है। उसके बाद उसने क्या है, डली अकॉम्प्लिश एप्लीकेशन फॉर्म, यानी कि आपने एमएस वर्ड में इसको टाइप नहीं करना, बेशक आप इसको डाउनलोड कर लें लेकिन फॉर्म जो है आपने डली फिल करना है, बाई हैंड ही करना है आपने, ठीक है। उसके बाद उसके साथ सारी चीज़ें आपने लगानी है। लगाने के बाद एटलीस्ट 6 मंथ बिफोर आपने जो है 6 माह पहले जो है इनटेक स्टार्ट होने से पहले 6 माह पहले आपने इस फॉर्म को सबमिट भेज देना है, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने क्या, शुड बी सेंड टू द इंस्टीट्यूशन एटलीस्ट 6 मंथ। अब कौन से इंस्टीट्यूशन में आपने भेजना है वो मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन उससे पहले कुछ चीज़ें आप देख लें। यहाँ पे उसने कहा कि आपने 6 महीने पहले उस इंस्टीट्यूट को भेज देना है जब उसका इनटेक स्टार्ट होगा। इनटेक का बेसिकली मकसद ये होता है कि जब उसके एडमिशन स्टार्ट होंगे उससे 6 महीने पहले। देन उसके बाद उसने कहा है कि यहाँ पे ओनली कैंडिडेट हु हैव बीन ऑफर्ड एडमिशन, ठीक है। अब इसका मतलब ये नहीं होता कि बेसिकली अगर आपने उसमें भेज दिए डॉक्यूमेंट सेंड कर दिए तो आप ये समझेंगे कि आपको जो है वो स्कॉलरशिप ऑफर कर दी गई है या आप उसके लिए आपको जो है एडमिशन हो गया है। भेजने का मकसद बेसिकली ये होता है कि आपने जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने सेंड किए हैं पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन में, देन उसके बाद वो आपको बताएंगे जब उसकी स्कॉलरशिप लगेगी तब आपको बताया जाएगा कि आपकी जो है स्कॉलरशिप स्टार्ट हो गई है तो आपका एडमिशन हो गया। अदरवाइज आप ये ना तसव्वुर करें कि आपकी जो है आपने डॉक्यूमेंट सेंड कर दिए तो आपके जो है एडमिशन हो जाएगा और आपकी जो है स्कॉलरशिप लग जाएगी। बाकी यहाँ पे आप लोग देख सकते हो एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट होना चाहिए, उसके बाद ये वो मतलब सारी जो चीज़ें इसकी एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है वो आपने देख लेनी है। बाकी यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि अब कौन से इंस्टीट्यूट की लिस्ट है वो मैं आपको बता देता हूँ। एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड आपने कर लेना है, देन उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि आपने इसको अप्लाई कैसे करना होगा। तो यहाँ पे अगर आप देखें लिस्ट ऑफ एकेडमिक इंस्टीट्यूशन पे अगर आप क्लिक करते हैं तो आपके पास इनकी जितनी भी लिस्ट है, मतलब हर कंट्री के लिहाज से उन्होंने यहाँ पे जो है लिस्ट दी हुई होगी। अब यहाँ पे अगर आप देखें हांगकांग और चाइना के लिए उन्होंने इंस्टीट्यूट बताया हुआ है, द यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग, उसके बाद ये उसका एड्रेस दिया हुआ है, नीचे ईमेल होगी, आप इसको मतलब चेक कर सकते हैं, उनको क्वेरी वगैरह सेंड कर सकते हैं। अप्रूव्ड फील्ड ऑफ स्टडी मास्टर इन साइंस और ये अर्बन प्लानिंग और अर्बन डिज़ाइन, ठीक है। इसके जो इनटेक स्टार्ट होंगे वो सितंबर में होंगे, डेडलाइन इसकी जो है जनवरी में है। ये हर साल इसी तरह होता है, फ़र्ज़ करें कि अगर अभी आपकी इनटेक उनके अभी स्टार्ट नहीं होंगे लेकिन इस साल 2023 में इनटेक उनके स्टार्ट होंगे सितंबर में और उसकी जो डेडलाइन होगी वो जनवरी में होगी, यानी कि सितंबर 2023 में स्टार्ट होंगे और जनवरी 2024 में जो है वो एंड हो जाएंगे। उसके बाद तो आपने 6 महीने पहले जो है अपने डॉक्यूमेंट्स इस इंस्टीट्यूट को भेजने होंगे। अब बेसिकली ये है क्या, ये नहीं है कि पाकिस्तान के लोग चाइना में भेज रहे हैं और इंडिया में भेज रहे हैं या जापान में। अब ये जो आपको सिटीज बताए जा रहे हैं, जो आपकी कंट्रीज बताए जा रहे हैं, इंस्टीट्यूट बताए जा रहे हैं, ये उन्हीं जगह के जो लोग हैं वो यहाँ पे अपने जो है डॉक्यूमेंट सेंड करेंगे। यानी कि अगर आप चाइना में रहते हैं तो चाइना वाले इस जो इंस्टीट्यूट में जाएंगे, ये उनका एड्रेस दिया हुआ है, ये दो उनके जो है कोर्सेज हैं और इनटेक जब उनके स्टार्ट होंगे उसे 6 महीने पहले, फर्ज करें कि 6 महीने पहले अगर सितंबर में अगर आप बात करते हैं तो अभी आप उनके जो इनटेक स्टार्ट होने से पहले अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो वहां पे सबमिट करवा देंगे, ठीक है। इस तरह हम बात करते हैं इंडिया में जो रहते हैं, इंडिया वाले लोग अगर अप्लाई करना चाहते तो ये उनका एक इंस्टीट्यूट उन्होंने यहाँ पे मैंशन किया हुआ है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली, ठीक है। उसका ईमेल और टेलीफोन नंबर यहाँ पे मैंशनड है और ये मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी और इनटेक इनके जुलाई में स्टार्ट होंगे। अभी जुलाई में जब स्टार्ट होंगे तो उससे पहले ये अपने 6 महीने पहले अपने डॉक्यूमेंट्स जो है वो सबमिट करवाएंगे। जब इनके इनटेक स्टार्ट होंगे तो उसके बाद जो है ये स्कॉलरशिप का उनके ऑलरेडी फॉर्म वगैरह सबमिट होंगे, दिसंबर में इसकी डेडलाइन कंप्लीट होगी तो फिर उसके बाद इनको जो है इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अब यहाँ पे हम बात करते हैं पाकिस्तान के लिए, तो पाकिस्तान में अगर आप लोग रहते हैं और पाकिस्तान के लिए अप्लाई करना चाहते हैं स्कॉलरशिप के थ्रू, तो लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड साइंस है, यहाँ पर अगर आप देखें अब यहाँ पे ये उन्होंने एड्रेस दिया हुआ है कि ये वाली लाहौर कैंट में जो है ये वाली यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे उन्होंने DHA लाहौर कैंट में, ये उनका ईमेल है, ये उनका फैक्स नंबर टेलीफोन नंबर और ये उनके असिस्टेंट मैनेजर फंड रेजिंग वाले जो है उनका नाम लिखा हुआ है यहाँ पे, और ये जो कोर्स आपको करवाया जाएगा मास्टर इन बिजनेस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। लाहौर यूनिवर्सिटी में आपने अप्लाई करना है, ये वाला कोर्स होगा और इनटेक उनके स्टार्ट होंगे अगस्त में, अगस्त में स्टार्ट होंगे यानी कि 8वां महीना बनता है
और 8वें महीने के 6 महीने पहले यानी कि अगस्त से 6 महीने पहले अगर आप हिसाब लगाएं तो आपने इनको जो है अपने डॉक्यूमेंट सेंड करने होंगे। इसकी जो 27 फरवरी लास्ट डेट थी, अभी तो ये इसका राउंड खत्म हो गया है, एक राउंड इसका कंप्लीट हो गया, दूसरा राउंड इनका जो स्टार्ट होगा वो 13 अप्रैल से होगा। तो उससे 6 महीने पहले जो है आपने यहाँ पे जो अपने डॉक्यूमेंट्स हैं वो यहाँ पे सेंड करने होंगे। देन उसके बाद जो है आप जो इसकी डेडलाइन होगी वो इसी तरह से फरवरी में होगी, यहाँ पे जैसे अक्सर औकात मेंशनड होता है, यहाँ पे जैसे ही इनटेक इनका स्टार्ट होगा तो आपको पता चल जाएगा। तो इस तरह से जो है पाकिस्तान वाले लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं जब इसका इनटेक दूसरा स्टार्ट होगा। अभी ये 27 फरवरी इसकी जो राउंड वन की वो डेट खत्म हो चुकी है, तो इस तरह से जो है आपने इसमें अप्लाई करना होगा। बाकी कंट्रीज़ की लिस्ट है, जैसे यूएसए के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, इनके यूएसए के लोग अप्लाई करना चाहते हैं, तो ये वाला उनका इंस्टीट्यूट होगा, ये वाले उनके कोर्सेज होंगे और ये इनका इनटेक स्टार्ट होगा अगस्त में और दिसंबर 1 उनकी जो है वो डेडलाइन होगी। तो अब हम बात कर लेते हैं इसके एप्लीकेशन फॉर्म की। तो ये इसका एप्लीकेशन फॉर्म है, आपने डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद कुछ आपको इस तरह से नजर आएगा, जिसके अंदर जो है आपकी सबसे पहले नॉर्मली नेम वगैरह और नेशनलिटी वगैरह आ जाएगी, एज वगैरह आएगी। देन उसके बाद आपका होम एड्रेस क्या है, करंट एड्रेस, आप किस जगह पे रहते हैं, ऑफिस वगैरह, मतलब अगर आपका कोई एड्रेस है तो वो यहाँ पे आप मेंशन करेंगे। फिर आपने किस प्रोग्राम के लिए पढ़ना है वो डिग्री का, जैसे वहाँ पे आपके स्पेसिफिक कंट्री के हिसाब से जो जो कोर्स की डिवीजन की जाएगी वो उस कोर्स का नाम लिखोगे, फील्ड ऑफ स्टडी किस में कर रहे हो, उसके बाद जो है यहाँ पे आपने बताना है। देन उसके बाद यहाँ पे नेम ऑफ इंस्टीट्यूट जो भी आपके पास होगा, उसके बाद अब आपके बैकग्राउंड के बारे में आ जाएंगे कि जो आपकी डिग्री है वो आपने कौन सी हासिल की हुई है, वो कौन सी फील्ड ऑफ स्टडी थी, कब स्टार्ट हुआ था, कब खत्म हुआ था, लोकेशन क्या थी, और अगर आपको कोई ऑनर वगैरह या कोई अवार्ड वगैरह मिले हैं वो आपने बताना है। तो ये सारा कुछ यहाँ पे आप मेंशन करेंगे। फिर इसी तरह दूसरे नंबर पे अगर आपके पास कोई डिग्री है तो वो आप यहाँ पे इसी तरह डिटेल दोगे। इसके बाद उसने क्या हैव यू बीन अवार्डेड एन ADB स्कॉलरशिप, यानी कि आपने कभी पहले मतलब आपको मिली है या इस तरह से, तो यस और नो में आपने बताना है। और उसकी फील्ड ऑफ स्टडी अगर आपको मिली है तो फिर यहाँ पे मेंशन करेंगे। उसके बाद उसने पूछा आपकी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी कैसी है, वेरी गुड है, गुड है, फेयर है, रीडिंग में कैसी है, अच्छी है, वेरी गुड है या बहुत अच्छी है या जैसे भी, वो यहाँ पे आपने टिक मार्क करने हैं रीडिंग के हिसाब से, राइटिंग के हिसाब से और स्पीकिंग के हिसाब से। यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है प्रोफेशनल हिस्ट्री, यानी कि आपका प्रेजेंट एम्प्लॉयर आप किस जगह पे हैं, कहीं पे काम कर रहे हैं, तो वो यहाँ पे आप मेंशन करोगे। नेचर ऑफ वर्क क्या है, इंडस्ट्री कौन सी है, डेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट कब स्टार्ट किया था, कब खत्म होगा, फैमिली की इनकम कितनी है, एनुअल इनकम कितनी है, वो सारा कुछ आपने यहाँ पे मेंशन करना है। तो अगर आपने प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट कहीं पे की हुई है तो आप उसके बारे में बताएंगे कि कंपनी का नेम क्या था, किस जगह पे आपने काम किया था, क्या आपका काम था, उसके बाद आपकी सैलरी कितनी थी, एनुअल सैलरी कितनी थी, वो सारा कुछ आपने यहाँ पे मेंशन करना है। तो जितनी ज़्यादा कंपनीज में आपने काम किया होगा यहाँ पे देखिए उतने टैब बने हुए हैं, 1, 2, 3, यहाँ पे उस हिसाब से जो है आपने मेंशन करते रहना। अगर एक में किया है तो सिर्फ एक टैब होगा, बाकी आप खाली छोड़ सकते हैं, कोई इशू नहीं है। इस तरह यहाँ पे अगर आप देखें टोटल वर्क एक्सपीरियंस आपका कितना बनता है, यानी कि अगर दो जगह पे काम किया, दो दो साल किया तो 4 साल कितने महीने बनते हैं, वो यहाँ पे आपने मेंशन करने हैं। देन उसके बाद उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा हुआ है कि स्कॉलरशिप के दौरान जो आपको फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स और बाकी सारा कुछ स्टडी पीरियड के दौरान दिया जाएगा, उसके अलावा आप एडिशनल सोर्सेज कौन से हैं जिसकी आपको ज़रूरत पड़ेगी, तो वो यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद उसने कहा व्हाई डू यू वांट टू अंडरटेक दिस पर्टिकुलर एरिया ऑफ स्टडी, मतलब आपने इस जो मतलब इनटेक के लिए जो है अप्लाई किया हुआ है तो आपने क्यों इसको चूज़ किया है वो आपने बताना है, मतलब इस स्टडी इंस्टीट्यूट को आपने क्यों चूज़ किया उसके बारे में आप बताओगे। और यहाँ पे उसने कहा अटैच कॉपी ऑफ एकेडमिक रिकॉर्ड, जो भी आपके एकेडमिक रिकॉर्ड होंगे, एंड मेल दिस फॉर्म टू द इंस्टीट्यूशन वेयर यू वांट टू स्टडी। ठीक है, अब आपने तमाम एकेडमिक रिकॉर्ड्स अपने सारे लगाने हैं, ठीक है, और जिस इंस्टीट्यूट में आपने अप्लाई करना है उस इंस्टीट्यूट को जो है ये आपने भेजना है। ठीक है, तो इस तरह से जो है आप अपने फॉर्म वगैरह को फिल करेंगे। बाकी जो मैंने आपको डिटेल बताई है कि आपकी इनकम शीट और टैक्सेस वगैरह के वो सारे जो मतलब चीज़ें होंगी, कैलकुलेशन वगैरह, वो सारा कुछ आपने साथ लगाना है, साथ अपने डॉक्यूमेंट्स लगाएंगे, बाकी जो रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स हैं वो उनके ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आपको मिल जाएंगे। तो इस तरह से जो है आपने इसको अप्लाई करना होगा। बेसिकली उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।